हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं स्ट्रॉबेरी से बनने वाला बहुत ही डिलीशियस डेज़र्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुंह में घुल जाने वाला ये डेज़र्ट सिर्फ 3 चीज़ों से बनेगा और हम इसे सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना, ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को सभी को बहुत पसंद आने वाली है, बहुत ही डिलीशियस डेज़र्ट है। तो चलिए देख लेते हैं इसका बनाने का तरीका। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज ले ली है 1 कप और इसे मैंने धोकर साफ़ कर लिया और इसे मैंने काट लिया था पीसेस में और इसे एक मिक्सर जार में मैंने डाल दिया है और आधा कप शक्कर मैंने ऐड की है और इसे हमने बिना पानी के इसी तरह से पीस लेना है। अब यहाँ पर पैन में मैंने 1 गिलास दूध डाल दिया है और 2 चम्मच ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अगर पाउडर, तो हम इसे डाल देंगे। और फिर इसके बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर लिया है और इसे हम चलाते रहेंगे जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए। और गैस का फ्लेम हमने हाई टू मीडियम रखना है, इसे हम चलाते रहेंगे वरना इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें स्ट्रॉबेरीज में हमने शक्कर डालकर पीस लिया था और इसमें दूध को स्वीट करने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। मैं इसमें 1/2 कप जितना कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, इतना हम कंडेंस मिल्क डालेंगे कि ये स्वीट हो जाए। तो अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह में 1/2 कप और शक्कर डाल सकते हैं इसमें और अच्छे से मिक्स करेंगे। साइड्स को भी हम छुड़ाते जाएंगे और ये देखिए इसमें अब बॉईल आने लगा है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसके टेस्ट को और भी रिच करने के लिए इसमें मैं 1/2 कप फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है मगर इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। और क्रीम डालने के बाद भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखना है। अब जो हमने स्ट्रॉबेरी का जूस बना के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। स्ट्रॉबेरी पीसते वक्त मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया था, सिर्फ शक्कर और स्ट्रॉबेरीज को ही यहाँ पर मैंने पीस लिया था। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अच्छे से कलर के लिए मैंने 2 ड्रॉप पिंक कलर डाल दिया है। अभी हमारा जो है डेज़र्ट रेडी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और एक कांच की ट्रे मैंने ले ली है, इसके अंदर हम ये पोर कर देंगे। सारा मिक्सचर हमने इसमें पोर कर देना है और इसे इसी तरह से हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, रूम टेम्परेचर पर, तब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रिज में रखकर हम इसे खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ठंडा। और ये देखिए 2 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था और ये एकदम ठंडा सा है और अच्छा सा जम गया है। तो अब मैं इसे कट कर रही हूँ, इसे आप अपने मनचाहे पीसेस में कर सकते हैं कट, छोटा या बड़ा। और गार्निशिंग के लिए, डेकोरेट के लिए मैं इस पर इस तरह से स्ट्रॉबेरीज काट कर रख रही हूँ। और मैं एक पीस आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखने में तो ये डेज़र्ट बहुत ही खूबसूरत है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।